हाँ तो दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ इन्वायरमेंट के एक नोट्स हैं। काफ़ी चर्चा थी इन नोट्स की, तो मंगा लिए मैंने। ये नोट्स हैं समीक्षा इंस्टीट्यूट की। देखते हैं इनके बारे में। ये नोट्स शायद इंदौर से आए हैं या फिर ग्वालियर से आए हैं, क्योंकि मैं भोपाल में रहता हूँ, तो उस हिसाब से ये काफ़ी मेरे को टाइम लगा। जो भी इनका फ़ोन नंबर था, काफ़ी चर्चा सुनी थी मैंने, जो पहले सिलेक्ट हो चुके हैं दोस्त मेरे। तो देखते हैं सबसे पहले कि कैसे हैं ये नोट्स। सबसे पहले हम सिलेबस और इंडेक्स दोनों को मिलाएंगे, देखते हैं कितनी चीज़ें मैच होती हैं या कुछ छूटी तो नहीं है इसमें। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट दिया गया है इसमें, इसमें भी है इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। पूरा चैप्टर दे दिया मतलब इन्होंने ये पॉइंट्स का। मेरे हिसाब से तीसरा चैप्टर ये होगा प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, ठीक है। चौथा ये है वाटर कंजर्वेशन है। सबसे मेन चीज़ है ये देखना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा कि रोल ऑफ ट्राइब्स है, जो रोल ऑफ ट्राइब्स में इन्होंने क्या डाला है नई चीज़, क्योंकि ये नया टॉपिक जुड़ा हुआ है। सॉलिड वेस्ट नया जुड़ा हुआ है, क्लीननेस सर्वे बिल्कुल नया जुड़ा हुआ है। देखते हैं इनके बारे में, तो देखते हैं इस चीज़ के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड इंडियन ट्रेडिशन के बारे में। ठीक है, ये दिया है थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, नोट्स हैं तो बड़ा हो सकता है वो। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि हिंदुइज्म में, ठीक है, हिंदुइज्म में जो बताया है इसका, तुम्हारी जो प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में, फेस्टिवल्स बता दिए, मकर संक्रांति वगैरह, ठीक है। चिपको मूवमेंट है, कम्युनिटी एंड ग्रास रूट मूवमेंट्स बारे में बता दिया, ठीक है, बढ़िया है। फिलोसफी बता दी, ठीक है, मतलब सही लग रहा है अभी तक, तो ठीक लग रहे हैं, देखते हैं आगे क्या है। हाँ, जनपदोल वंश करके है, देखते हैं इसमें क्या, ठीक है। इसके दो प्रकार होते हैं, रूट कॉज क्या है, एपिडेमिक्स, ये सब। ये अच्छा दिया है यार, ये अच्छा दिया है, काफ़ी अच्छा दिया है। कार्ल टाइम जी चार में होता है, ठीक है। चिकित्सा भी दे दी और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी दे दिए, वाह वेरी गुड, क्वेश्चंस भी हैं। अच्छा एक सेकेंड और देखते हैं यार, ठीक है, शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट, ठीक है। लॉन्ग भी दिए हैं क्या, लॉन्ग भी दिए हैं यार, बिल्कुल 200 वर्ड लग रहा है, ठीक है, मतलब मेहनत अपनी काफ़ी हद तक कम हो गई। और देखते हैं आगे की यूनिट्स। चलो ये सब यूनिट्स पहले थी तो इनके बारे में तो चलो ठीक है, जो भी है। हाँ यस, गवर्नमेंट साइड से उठाया है, बहुत सही, बहुत बढ़िया। ये तो पूछते ही रहते हैं यूट्रिफिकेशन और ये सब, ठीक है। देखो 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 क्या है। हाँ मुझे क्या पढ़ना था वो एक बार देखते हैं अपन। बायोसेंट्रिक है, बायोडाइवर्सिटी इन्होंने, जेनेटिक वेनेटिक, ठीक है, सही है, सही लग रहा है। फ्लो चार्ट वगैरह भी दिख रहे हैं, यही चीज़ होती है। अच्छा जी, क्या बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, ये मुझे लगता है कि एमपीपीएससी देने वाले जो जनता है उनमें से अगर मैं पूछूं तो 0.1% को पता होगा कि हमारे यहाँ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कितनी है एमपी में। इन्होंने साफ साफ पातालकोट तो बताइए सबको, ये भी दे दिया, मतलब काफ़ी बारीकी से चल रहा है यार, बहुत बारीक बारीकी बताई है इन्होंने। देखो यार, इसका अपन पेज देखते हैं कितने टोटल पेजेस में आ रहा है, ये 151 पेजेस में आ रहा है क्वेश्चन आंसर मिला के, 151-152 पेजेस में आ रहा है, तो ठीक है, क्वेश्चंस हैं। और देखते चलते हैं अपन लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड, ठीक है, गवर्नमेंट साइड से लिया है ये भी गवर्नमेंट साइड से, मतलब अपन नोट्स बनाएंगे तो इन्हीं इंटरनेट का यूज़ करेंगे ना, तो वो मेहनत कम हो रही है अपनी यहाँ, ये मुझे ठीक लग रहा है। ये दृष्टि के देखे थे, आकार के देखे थे, निर्माण के देखे थे, वो फील मुझे नहीं आई। और इससे पहले मैंने इसके मंगाया था, क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट था आपका इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी मंगाया था मैंने, तब से मेरे को थोड़ा सा मन हुआ कि यार इसको लिया जाए, इसके नोट्स और मंगाऊंगा मैं, मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और पहले बता दूं, मेरा कुछ लेना देना नहीं है किसी कोचिंग से, ठीक है। तो आगे मैं आपको कुछ निर्माण के भी नोट्स बताऊंगा, आकार के बताऊंगा, मेरे हिसाब से कौन कौन सब्जेक्ट के लेने चाहिए वो सही है। सोशल फॉरेस्ट्री, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं जो देख, अनुभूति प्रोग्राम भी दे दिया इन्होंने, ये बहुत सही लगा यार, अनुभूति प्रोग्राम इन्हें मिला कहाँ से यार, ठीक है, सही दे दिया इन्होंने, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इन्वायरमेंटली फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, फेम के बारे में दे दिया, ई अमृत के बारे में दे दिया, पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना जी अभी अभी आई है इसके बारे में भी इन्होंने दे दिया। पीएम सूर्य घर मतलब बिल्कुल लेटेस्ट डेटा से रिलेटेड है, मैंने बिल्कुल ऐसा है अभी अभी बनाई है इसके बाद, ठीक है। रोल ऑफ मध्य प्रदेश इन कंजर्वेशन, मध्य प्रदेश का रोल कंजर्वेशन में क्या है, तो ठीक है, काना वाना के बारे में ऐसे ही आंसर लिखेंगे अपन, भील ट्राइब्स के बारे में। अच्छा, ट्राइब का दे दिया पूरा, ठीक है। अरे एक सेकेंड, रोल ऑफ ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश करके है, सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो देखते हैं बेगा का क्या लिया है, कुछ
ठीक है, बैगा का सोर्स लिखा हुआ है उन्होंने, नेशनल टाइगर कंजर्वेटर अथॉरिटी काना के, उससे लिया गया है। तो बैगा से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, बैगा कहाँ पाई जाती है, मंडला में, उमरिया में, वहीं पर क्या है अपना काना नेशनल पार्क, तो बैगा का लेके उन्होंने वहाँ से कर दिया। ये बढ़िया एक केस स्टडी डाल दी उन्होंने सहरिया कास्ट के बारे में। भारिया के बारे में क्या क्या डाला है, हाँ भारिया के बारे में ठीक है ठीक है। भील के बारे में हलमा, ये अगर हलमा नहीं होता ना तो मैं इस नोट्स को नहीं मानता कुछ भी, क्योंकि हलमा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इनका क्या डाला है उनका, अच्छा देवराई और देवगुड़ी भी डाल दिया, मतलब बहुत मेहनत है यार नोट्स में, ऐसी बात नहीं है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का क्या है, ठीक है सही है। एप्लीकेबल फॉर द ईयर नमस्ते स्कीम डाल दी है यार, मतलब मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि इसके बाहर शायद कुछ आए। क्वेश्चन भी डाल दिए उन्होंने, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सॉलिड वेस्ट इन अर्बन एरिया, साथ में क्वेश्चंस का जो लिखने का फ्रेमिंग है, आजकल यही चलेगी यार, आजकल क्वेश्चंस में ऐसी इस तरह की आपको पॉइंट वाइज संग में थोड़ा कंक्लूजन साथ में। ठीक है, फ्लो चार्ट जी किस चीज़ का बनाया है, सॉलिड वेस्ट, ठीक है। लैंडफिल, एक क्वेश्चन पूछा था फॉरेस्ट सर्विस में, क्या था यार वो क्वेश्चन, इंसीरेशन के बारे में, इनक्रिएशन ऐसी करके है, आइए वो सॉलिड वेस्ट, हाँ जी मिल गया मुझे, इनक्रिएशन ये दे दिया उन्होंने, सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट मैनेज, ये बहुत पूछते हैं ये MPPSC वाले, और देखना इनमें से कुछ आएगा, ऑटो क्लैविंग और ये सब, सही लग रहा है यार, सही है। और देखते चलते हैं अपन, क्लीनलीनेस सर्वे, वाह यार अच्छा डायग्राम लग रहा है, काफ़ी चीज़ समझ में आ रही है। अच्छा ये भी दे दिया, फेजेस भी दे दिए, सही है। सर्विस क्लासिफिकेशन क्या, रैंकिंग एंड अवार्ड, रैंकिंग एंड अवार्ड कहाँ चलेगा यार, पीछे है इसे, 2023 के मिल गए हमको। इसका पूरा नाम वैसे यही है, प्रेरक दौर सम्मान बोलते हैं, जो स्वच्छता सफल वो बोलते हैं ना, उनका यही होता है ये, इसको जो बोलते हैं प्लेटिनम मिलता है, गोल्ड मिलता है, सही है। बायोमेथेनेशन, वाह यार बढ़िया है, लेकिन हम इस तरह का तो शायद मेंस में नहीं बना सकते, लेकिन इसे समझ सकते हैं, है ना। मेंस में तो ये डायग्राम नहीं चल पाएगा, जैसे ये है इसमें हमें मिल गया इंदौर सूरत, MPPSC ने अभी अभी पूछा है, ये अच्छा इन्होंने लिया है, सही है यार। अब काफ़ी मेहनत बच रही है मेरे हिसाब से, और हमें कोई इंटरनेट वगैरह का जो हम नोट्स बनाते हैं ना, जो मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं, जो कोचिंग वगैरह पर भरोसा ही नहीं करते किसी भी चीज़ को लेके, वो खुद के नोट्स पर भरोसा करते हैं, तो उन लोगों के लिए इस तरह के नोट्स बनाना काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें अपन को मिल ही रही हैं। देखो स्वच्छता ग्रामीण जी, ठीक है, इसका हम फेज वन, अरे यार मज़ा आ गया, ये सही है ये। वाटर सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी सोर्स आर्टिकल ऑफ PIV से लेकर स्टेटस डाला है, PIV से मिला, तो बहुत सही है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का भी आया था, ठीक 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 ठीक। क्वेश्चन क्या है ये, सही है। वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन क्या क्या डाला है इन्होंने, ड्रिप वगैरह जल शक्ति वो है।